इंडियन गवर्नमेंट साल 2027 तक डीजल व्हीकल्स पर बैन करने की सोच रही है, जिसके रेडिएशन में रहना इंसानों के साथ साथ पृथ्वी के ऑलमोस्ट सभी जीवों के लिए जानलेवा है। चाइनीज वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था, 403 सेकंड्स तक 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मेंटेन किया गया, बल्कि फ्यूजन रिएक्शन को। ये तस्वीर जो भी आप देख रहे हो, ये है चाइना का ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर, यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, जिसे मीडिया में कई बार आर्टिफिशियल सन कहकर भी बुलाया जाता है। और रिसेंटली चाइना के इस फ्यूजन रिएक्टर ने कुछ ऐसा किया जिसे अब तक भी दुनिया भर के वैज्ञानिक बचा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 12 अप्रैल 2023 में चाइना के इस आर्टिफिशियल सन ने पूरे 403 सेकंड्स तक सूरज के कोर से ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा टेम्परेचर को मेंटेन करके वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्यूजन रिएक्शन को कंप्लीट किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ, वही फ्यूजन रिएक्टर जिससे हमारा सूरज भी अर्थ पर लाइफ देने वाली एनर्जी को क्रिएट करता है। अब यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया का कोई भी देश फ्यूजन रिएक्टर के इस एडवांसमेंट में चाइना के आसपास भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले 101 सेकंड्स का लॉन्गेस्ट फ्यूजन रिएक्शन का प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी साल 2017 में चाइना के इसी ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर द्वारा ही बनाया गया था। अब फ्यूजन टेक्नोलॉजी में चाइना के इस स्पीड ने दुनिया भर के कई देशों के मन में एक डर पैदा कर दिया है, क्योंकि देखो, फ्यूजन रिएक्शन से ऐसे खतरनाक हथियार बनाए जा सकते हैं जो कुछ शहर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े देशों को भी एक ही बार में खत्म करने की ताकत रखता है। अब वैसे भी चाइना हमारा नॉट सो गुड पड़ोसी है, इसीलिए इंडिया के लिए तो ये और भी कंसर्निंग बात हो जाती है। अब इसके अलावा इंडिया के साथ साथ जापान, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया जैसे दुनिया के कई और ताकतवर देश भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे हथियार केवल चाइना के पास ही हो, और इसीलिए दुनिया भर में फ्यूजन रिएक्शन को लंबे समय तक सस्टेन रखने और उससे रिक्वायर्ड एनर्जी आउटपुट निकालने के लिए एक ग्लोबल रेस चल रही है, जिसमें इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं दुनिया में चल रही आर्टिफिशियल सन को बनाने की इस रेस के बारे में। तो दोस्तों, रिसेंटली इंडियन मीडिया में कुछ ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुई जिनके मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट साल 2027 तक डीजल व्हीकल्स पर बैन करने की सोच रही है, जो कि साल 2070 तक इंडिया को नेट जीरो कार्बन एमिशन की ओर ले जाने का एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। एक ऐसा समय जहां पर इंडिया में फॉसिल फ्यूल का प्रयोग ना के बराबर होगा और हमारी सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरी होंगी, लेकिन इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को विंड एंड सोलर एनर्जी जैसे लो एफिशिएंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरी तरह से रन नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए हमें एक ऐसे अल्टीमेट एनर्जी सोर्स की जरूरत होगी जो हमें कम से कम फ्यूल में बिना किसी पोल्यूशन एंड रेडिएशन के इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड कर सके, जो काम केवल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से ही किया जा सकता है। एक ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन जिसकी मदद से यूनिवर्स के स्टार्स एनर्जी को क्रिएट करते हैं, जिसके कारण सूरज बिलियंस ऑफ ईयर्स से एनर्जी को बनाता आ रहा है। अब साल 1970s के बाद दुनिया भर के कई देश फ्यूजन को अर्थ पर अचीव करने और उससे सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करने की एक ग्लोबल रेस में लगे हुए हैं। वैसे तो अब साल 2023 तक दुनिया में कई ऐसे फ्यूजन रिएक्टर बन चुके हैं जो एक्सपेरिमेंट्स में ऑलरेडी फ्यूजन को अचीव कर चुके हैं, और अब इस ग्लोबल रेस में चाइना दुनिया से काफी आगे जा भी चुका है। चाइना इस वक्त इस वर्ल्ड में इकलौता ऐसा कंट्री है जिसके पास एक वर्ल्ड का सबसे एडवांस्ड वर्किंग फ्यूजन रिएक्टर मौजूद है, जो ऑलमोस्ट 7 मिनट तक फ्यूजन रिएक्शन को बनाए रख सकता है। पर इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए चलिए पहले फ्यूजन रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, आज के समय में दुनिया की टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 10% न्यूक्लियर फिजन पर रन होने वाले रिएक्टर से आता है। अब ऐसे ऑलमोस्ट 22 फिजन रिएक्टर्स तो इंडिया में भी मौजूद है, पर फिजन एक ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिसमें यूरेनियम के हैवी न्यूक्लियस को 2 छोटे न्यूक्लियस में तोड़ा जाता है, और जिस प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट काफी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। पर इस रिएक्शन की सबसे बड़ी परेशानी इसमें क्रिएट होने वाला रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, जिसके रेडिएशन में रहना इंसानों के साथ साथ पृथ्वी के ऑलमोस्ट सभी जीवों के लिए जानलेवा है। पर यहाँ पर इससे भी बड़ी परेशानी ये है कि हम चाहकर भी इस रेडियो एक्टिव वेस्ट से पीछा नहीं छुड़ा पाते।
क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान बनने वाला न्यूक्लियर वेस्ट हजारों सालों तक रेडियो एक्टिव रह सकता है, इसलिए आज के समय में न्यूक्लियर फ्यूजन एक बड़ी समस्या बन चुकी है। अब इसके अलावा पास्ट में चेर्नोबिल जैसे एक्सीडेंट को देखकर न्यूक्लियर फ्यूजन से इंसानों का भरोसा लगभग उठ ही चुका है, और यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन पिक्चर में आता है। एक ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें हम दो हल्के एलिमेंट्स ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम को आपस में मर्ज करके एक हैवी हीलियम न्यूक्लियस क्रिएट करते हैं, और जिस प्रोसेस में न्यूक्लियर फ्यूजन से भी कई गुना एनर्जी क्रिएट होती है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट क्रिएट नहीं होता है, यानी ये सच में एक क्लीन अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है जिसमें बनने वाली एनर्जी हमारी सभी एनर्जी एंड क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। पर देखो, ये रिएक्शन जितनी फैसिनेटिंग है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल इसे अर्थ पर परफॉर्म करना है, क्योंकि देखो स्टार्स के कोर में तो न्यूक्लियर फ्यूजन होना काफी नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि स्टार्स के कोर की ग्रेविटी और टेम्परेचर वहाँ एटम्स पर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि वो फोर्स एटम्स को दूर करने वाले रिपल्सन न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करके उन्हें एक दूसरे में मर्ज कर देता है। और इसी तरह सूरज में भी न्यूक्लियर फ्यूजन परफॉर्म होता है, पर यहाँ अर्थ पर सूरज की जितनी ग्रेविटी को अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और इसीलिए वैज्ञानिकों ने अर्थ पर फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म करने का एक दूसरा तरीका अपनाया है। पर इसके लिए भी हमें अर्थ पर ही पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट करना होगा, जो कि सूरज के कोर से भी कई गुना ज्यादा होना चाहिए, और जिसे अचीव करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा ही लगता है। बट डोंट वरी, क्योंकि हम इस टेम्परेचर को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। जिस टेम्परेचर को क्रिएट और सस्टेन करने में हमारी सबसे ज्यादा मदद फ्यूजन रिएक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा टोकामाक करता है, जो एक डोनर टाइप राउंड मशीन होता है जिसे आप इस इमेज में साफ साफ देख पा रहे होंगे। अब ये एक पावरफुल मशीन होती है जिसमें कई बड़े बड़े मैग्नेट्स यानी कि चुंबक लगे हुए होते हैं, जिनका काम इस टोकामाक फ्यूजन रिएक्टर में फ्लो होने वाले मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस सुपर हॉट प्लाज्मा को मैग्नेटिक फील्ड की मदद से रिएक्टर की वॉल्स से दूर रखना होता है, और इसमें मौजूद आयंस को हाई स्पीड पर मर्ज करना होता है, जिसमें हम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम के ही प्लाज्मा का यूज करते हैं, जिनकी रिएक्शन से हमें हीलियम 3 एंड हीलियम 4 मिलते हैं, जो कि काफी स्टेबल एलिमेंट होते हैं और जिससे ओवरऑल एक्सपेरिमेंट की सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है। अब दोस्तों, प्लाज्मा के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये मैटर की फोर्थ स्टेट है, जिसमें एटम्स इतने ज्यादा हीट अप हो जाते हैं कि वो टूटकर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज आयंस में बिखर जाते हैं। अब वैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि सेम चार्ज आयंस एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल करते हैं और इन्हें आपस में मिलाया नहीं जा सकता, पर सूरज के कोर में ये फंडामेंटल रूल टूट जाता है, क्योंकि वहां पर इंटेंस ग्रेविटी के कारण प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो एटॉमिक रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके एटम्स को एक दूसरे में मर्ज करने लगती है। पर पास्ट में वैज्ञानिकों ने अपनी कई रिसर्च में ये भी पाया है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद भी ये आयंस अपने इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके आपस में मर्ज होने लगते हैं, यानी कि इस फ्यूजन रिएक्शन पर टेम्परेचर का भी एक अहम रोल होता है। पर इसके लिए हमें अर्थ पर कई करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट करना होता है, और फोकस करो, हम यहाँ सूरज के कोर से भी ज्यादा टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, और इसीलिए अभी तक दुनिया का कोई भी देश इस रिएक्शन को कुछ सेकंड से ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं रख सका है, एक्सेप्ट चाइना, जिसने अपने रिएक्टर की मदद से ऑलमोस्ट 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 403 सेकंड्स तक इस हाई टेम्परेचर रिएक्शन को सस्टेन करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पर चाइना ये कैसे कर पाया, इसे जानने के लिए हमें चाइना के न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोग्राम को थोड़ा डिटेल में जानना होगा। तो देखो, पिछले एक दशक से चाइना अपने न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोग्राम में काफी ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसीलिए आज के समय में चाइना के पास दुनिया के कुछ सबसे एडवांस फ्यूजन रिएक्टर्स मौजूद है, जिनकी कीमत सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि चाइना के सबसे एडवांस फ्यूजन रिएक्टर टोकामाक ईस्ट पर अब तक चाइना ऑलमोस्ट $1 trillion स्पेंड कर चुका है, जो कि चाइना के करेंट $19 trillion GDP का ऑलमोस्ट 5% है, और इंडिया की करंट जीडीपी का ऑलमोस्ट 25% है। अब चाइना के पास इसके अलावा भी एक और पावरफुल रिएक्टर HL2M टोकामाक मौजूद है, पर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स के मामले में ईस्ट टोकामाक का अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं है।
ईस्ट टोकामाक को चाइना की हाफे सिटी में 2006 में बिल्ड किया गया था। बनने के बाद से अब तक इस फ्यूजन रिएक्टर की मदद से चाइनीज साइंटिस्ट 1,20,000 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर चुके हैं। अब जिनमें से कई ऐसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं जिनको पहले करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लग रहा था। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट साल 2017 में परफॉर्म किया गया जब ईस्ट टोकामाक की मदद से चाइना ने वर्ल्ड की सबसे लंबी फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म की थी जो ऑलमोस्ट 100 सेकेंड्स तक चली थी, जो उस समय एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। अब इसके अलावा दिसंबर 2021 में भी चाइनीज साइंटिस्ट ने इस रिएक्टर की मदद से 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अचीव करके उसे ऑलमोस्ट 18 मिनट्स तक बनाए रखा था, और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही था। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि साल 2021 में चाइना इस समय तक फ्यूजन रिएक्शन को इतने लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर पाया था और कुछ ही मिनटों में उसकी फ्यूजन रिएक्शन बंद हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद चाइना के इस रिएक्टर में चाइनीज साइंस ने सन के कोर से ऑलमोस्ट 6 गुना टेम्परेचर को 17 मिनट तक बनाकर रखा था। पर रीसेंट एक्सपेरिमेंट जो 12 अप्रैल 2023 को चाइनीज वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था, उसमें इस ईस्ट टोकामाक रिएक्टर की मदद से 403 सेकंड्स तक न केवल 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मेंटेन किया गया बल्कि फ्यूजन रिएक्शन को भी लगातार बनाए रखा गया, और इस तरह चाइना ने वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्यूजन रिएक्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। पर देखो, चाइना इकलौता नहीं है जो इतनी तेजी से फ्यूजन रिएक्टर वाले इन आर्टिफिशियल सन को बनाने की रेस में है, बल्कि यूरोपियन यूनियन, जापान, अमेरिका और यहां तक कि साउथ कोरिया भी न्यूक्लियर फ्यूजन को एफिशिएंट बनाने पर तेजी से काम कर रहे हैं ताकि हम फ्यूजन रिएक्शन को लंबे समय तक चला पाए, और इस प्रोसेस में इनपुट के तौर पर डाले जाने वाली एनर्जी से ज्यादा आउटपुट एनर्जी निकाल सके। अब इसके अलावा दुनिया के करीब 35 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया भी मिलकर दुनिया के सबसे बड़े फ्यूजन रिएक्टर ITER यानी कि थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर को फ्रांस में बिल्ड कर रहा है। अब ये 23,000 टन्स भारी और नियरली 30 मीटर्स ऊंचा रिएक्टर होने वाला है जो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रिएक्टर होगा, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये साल 2025 तक पूरी तरह से कंप्लीट होकर एनर्जी प्रोडक्शन करनी शुरू कर देंगी, और इसकी मदद से शुरुआत में ही 500 मेगावाट्स एनर्जी को क्रिएट किया जा सकेगा, जिसकी मदद से फ्रांस के ऑलमोस्ट 2,00,000 घरों की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया जा सकता है। और इंडिया इस ITER प्रोग्राम का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और इसीलिए इस वर्ल्ड के सबसे बड़े फ्यूजन रिएक्टर के लिए कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिन मशीनरी की लिस्ट आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब इसके अलावा भी दुनिया के कई पावरफुल कंट्रीज इंडिविजुअल तौर पर फ्यूजन को इकोनॉमिकली बेनिफिशियल बनाने में काम कर रहे हैं। जैसे कि यूरोप के फ्यूजन प्रोग्राम की बात करें तो यूरोपियन यूनियन भी फ्यूजन में काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और यूरोप के पास भी इस समय कई पावरफुल फ्यूजन रिएक्टर्स जैसे कि वेल्डेंस्टाइन 7X मौजूद है जो कि फ्रांस में है। इसके अलावा जापान के पास भी JT60SA नाम का एक पावरफुल फ्यूजन रिएक्टर है, जिसके जरिए जापान प्लान कर रहा है कि वो फ्यूचर में इस रिएक्टर से बनने वाली फ्यूजन एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करेगा। इसके अलावा अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास भी चाइना की ही तरह एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जैसे नेशनल इग्निशन फैसिलिटी जिसे NIF भी कहा जाता है, जिसकी मदद से अमेरिकन साइंटिस्ट हाई एनर्जी लेजर बीम के जरिए सस्टेनेबल फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करने पर रिसर्च कर रहे हैं। अब दुनिया भर में फ्यूजन एनर्जी को लेकर चल रही इस ग्लोबल रेस के दो मेन कारण हैं। सबसे पहला क्लीन एंड चीप एनर्जी को क्रिएट करना, और दूसरा फ्यूजन रिएक्शन के जरिए वर्ल्ड के कुछ सबसे खतरनाक हथियार को बनाना। अब दुनिया के कई कंट्रीज का मानना है कि वो साल 2035 तक फ्यूजन रिएक्टर के जरिए स्टीम क्रिएट करके उनसे टरबाइन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन शुरू कर देंगी, और 2050 तक इन रिएक्टर से मिलने वाली एनर्जी का आउटपुट भी इनमें डाली जाने वाली इनपुट एनर्जी से कई गुना ज्यादा होगा। वैसे फ्यूजन रिएक्टर के बारे में आपको क्या लगता है? क्या फ्यूजन रिएक्टर्स हमारे फ्यूचर को बदलकर रिन्यूएबल एनर्जी की प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, या फिर ये भी फ्यूजन रिएक्टर्स की ही तरह एक समय बाद आउटडेटेड हो जाएंगे और हमें एक और नए एनर्जी सोर्स को ढूंढना पड़ेगा? नीचे कॉमेंट में अपनी राय जरूर देना। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।